जैसे कि आपने आज के संगीत कार्यक्रम से देखा होगा, सुना होगा कि हमारी जो परंपरा है, राष्ट्रीय परंपरा है, और क्रांतिकारी जो राष्ट्रीय परंपरा है, उसमें संगीत का, कविता का बहुत बड़ी भूमिका है। वंदे मातरम उसका एक हिस्सा है और उसका एक बहुत अहम हिस्सा है। वंदे मातरम सबको मालूम है, बंकिम चंद्र ने आनंद मठ के नॉवल के अंदर उन्होंने सबसे पहले वो सामने आया, पर वो कविता जो थी उन्होंने पहले से लिखी हुई थी और आनंद मठ उन्होंने बाद में लिखा। परंतु जब स्वदेशी आंदोलन हुआ 1905 में, बंगाल में शुरू हुआ और फिर दूसरे जगहों में फैला, खासकर पंजाब और महाराष्ट्र में, पर साउथ इंडिया में भी सब जगह, तो उस वक्त ये गाना जो था वंदे मातरम, ये सामने आया। और कैसे सामने आया? रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने जो सबसे पहला जुलूस निकला बंग भंग के खिलाफ, जो आंदोलन शुरू हुआ 1905 में, तो कलकत्ते की सड़कों में सबसे बड़ा एक जन जुलूस निकला, जिसकी पहली लाइन में रविंद्रनाथ टैगोर खुद थे और वो चल रहे थे उसमें और वो ये गाना गा रहे थे। तो वंदे मातरम, रविंद्रनाथ टैगोर ने उसको हमारी राष्ट्रीय जो आंदोलन था उसका हिस्सा बनाया। तो कैसे एक बहुत बड़े कवि का गाना एक दूसरे बहुत बड़े कवि, जो कि जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में पूरा हिस्सा लिया, उन्होंने उस गाने को एक तरह से राष्ट्रीय गान बना दिया। उसके बाद हमारे जो क्रांतिकारी जो परंपरा थी, जिन्हें हम रेवोल्यूशनरीज कहते हैं, बंगाल में जुगांतर, अनुशीलन, इधर हर एक जगह हिंदुस्तान के कई हिस्सों में, बाद में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, भगत सिंह वाला जो पूरा दौर था, बिस्मिल का, जगह जगह पे जो रेवोल्यूशनरीज का पूरा एक ट्रेडिशन था, जो कि विश्वास करते थे कि हिंसा का इस्तेमाल भी किया जा सकता है अंग्रेजों के खिलाफ, खासकर निजी इंडिविजुअल वायलेंस का, उन्होंने वंदे मातरम को बहुत जोरों से अपनाया और उसको बहुत हद तक उन्होंने पॉपुलराइज किया यूथ के अंदर। और जगह जगह पे आप देखेंगे उनके जो पर्चे निकलते थे, उनकी जो इमेजरी थी, आइकोनोग्राफी थी, उसमें वंदे मातरम हर जगह आपको दिखाई देता था। इसी तरीके से अगर हम पहला दशक देखें 20वीं सदी का, जो स्वदेशी आंदोलन 1905 से 1908 तक चला, परंतु 1910, 11, 12 तक अगर हम थोड़ा आगे ले जाएं, तो भारत के हर हिस्से में ये गाना पहुंच गया था, इसके अनुवाद हो गए थे। तमिल में सुब्रमण्य भारती ने इसका अनुवाद किया, इसी तरह मराठी भाषा में, मलयालम में, तेलुगु में, हर जगह जो है इसके अनुवाद हुए और लोगों ने इसको अपनाया। अंग्रेजी सरकार ने कभी कोई ऑर्डर नहीं पास किया था कि लोग इसको स्कूल में गाएं, परंतु ये लोगों ने अपने आप, अपने प्यार से, अपने जीवन का हिस्सा बना के, अपने आंदोलन का हिस्सा बना के इसको अपना राष्ट्रीय गान बनाया। इससे हम क्या सीख सकते हैं कि किसी चीज को अगर प्रिय करना हो, लोकप्रिय करना हो, लोगों के अंदर तक ले जाना हो, तो आपको उसे प्यार से ऑफर करना पड़ेगा और लोगों को अपने आप को, अपनी झलक उस पे दिखाई देगी, तो तब लोग उसको अपने आप अपना लेंगे। सुब्रमण्य भारती को रविंद्रनाथ टैगोर ने चिट्ठी नहीं लिखी थी कि भाई इसको तमिल में अनुवाद कर दो, और लिख भी दी होती तो जरूरी नहीं है कि वो उनकी बात जरूर मानते। पर कितने ही लोग, कितने ही इस तरह के छोटे छोटे ग्रुप, बड़े बड़े आंदोलन, उन्होंने इस गाने को अपनाया क्योंकि उस गाने में उनको कोई चीज दिखाई दी। और क्या दिखाई दी? कि देश को, भारत को, हिंदुस्तान को किस तरीके से दर्शाया गया है, उसको एक मदरलैंड कहा गया, एक सल्यूट टू द मदर। पर उसका पूरा कंसेप्शन जो था वो ये था कि ये कितना सुंदर देश है, ये कितना प्रोडक्टिव है, ये सब मतलब जो है बाद में आप डिस्कस करना चाहे तो कर सकते हैं। तो सबको ये चीज जो थी उनके दिल को छू गई और लोगों ने इसको गाना गाना शुरू किया। पहले 2-3 दशक तक इस पे कोई किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, किसी तरह का इस पे डिस्प्यूट नहीं था। थोड़ी बहुत आवाजें उठी थी, पर 1930 के दशक में जाके, खासकर 1937-38 में, जब
सरकारें बनी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के अंदर और बहुत सारी कांग्रेस की सरकारें बनी और इधर मुस्लिम लीग जोर पकड़ने लगी, तो जिन्ना ने इसको उठाया और उन्होंने कहना शुरू किया कि ये मुस्लिम जो है इसको नहीं एक्सेप्ट कर सकता क्योंकि इस गाने में ये आइडोलेट्री है, इसमें एक देवी की पूजा करी जा रही है, ये इस्लाम के विरुद्ध है और ये हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो इस पे बहुत भारी डिस्कशन हुआ हाईएस्ट लेवल पे, जिसमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जितने टॉप लीडर्स थे, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू ने रविंद्रनाथ टैगोर को इन्वॉल्व किया और पूछा कि आप अपना इंटरप्रिटेशन बताइए कि इस गाने में क्या ऐसा कुछ है जो आइडोलेट्री इसमें है, इसमें गॉडेस वर्शिप है, जो इस्लाम के ये खिलाफ हो सकता है। तो रविंद्रनाथ टैगोर का बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन है, उन्होंने पूरा अपना इंटरप्रिटेशन उन्होंने दिया। इस सब के बाद ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग बैठी जिसपे ये डिस्कस किया गया और फिर ये डिसाइड किया गया कि इसके जो पहले दो स्टैंजास हैं जो अक्सर गाए जाते हैं और जो बंकिम ने पहले लिखे थे आनंद मठ से पहले, दूसरे स्टैंजास उन्होंने बाद में नॉवल के टाइम लिखे थे, कि पहले दो स्टैंजास जो है उसमें किसी भी तरह की कोई रिलीजियस कॉनोटेशन नहीं है, कोई देवी का नाम, काली का नाम, भगवान का नाम इसमें कहीं नहीं है, सिर्फ ये मातृभूमि की वंदना की बात इसमें है जिसमें किसी को भी कोई आपत्ति नहीं हो सकती। तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने इसमें रेजोल्यूशन पास किया कि सिर्फ पहले दो स्टैंजास जो है गाए जाएंगे और ये नेशनल सॉन्ग होगा। और तब भी महात्मा गांधी ने ये कहा परंतु कोई भी जो इसको नहीं गाना चाहे वो ना गाए और कोई भी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कहेगा। और उन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही कि इसके नहीं गाने से ये गाना अलोकप्रिय नहीं हो जाएगा क्योंकि हिंदुस्तानियों के दिल में बैठा हुआ है, तो आपको जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी हमने साफ बता दिया है कि ये दो ही स्टैंजास इसका हिस्सा है और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये इसका पूरा एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है।